देखिए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, हम आपको सिखाते हैं कि माइक्रोब्स किस तरह से जो है ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस दूसरे पैथोजन जो इन्फेक्ट करते हैं किसी प्लांट को, एनिमल को, कैसे उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। आइए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। इस बैक्टीरिया को शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहा जाता है। ये देखिए, जिसमें बी हमेशा कैपिटल लेटर से, टी हमेशा स्मॉल लेटर से। क्यों? क्योंकि बी जो है जीनस है तो कैपिटल लेटर शुरू होता है और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर शुरू होती है। ये बैसिलस थुरिंजियंसिस है, अगर आप इसके बारे में देखें तो फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है मतलब जमीन में पाया जाता है। फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है, जमीन में पाया जाता है। ये देखिए, जमीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजियंसिस। अब इस बैक्टीरिया का देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेस्ट को किल करने के लिए। जैसे देखिए, अगर ये प्लांट है, मान लेते हैं ये प्लांट है, किसका प्लांट है ये भी लिख देता हूँ। मान लेते हैं ये कॉटन का प्लांट है, कॉटन समझते हैं आप, मतलब रुई का पौधा है। ये इसकी लीव्स हैं, ये देखिए ये इसकी पत्तियां हैं, ये ऐसी इसकी लीव्स पड़ी हुई हैं। अब इस लीव्स पर कुछ खास तरह के पैथोजन अटैक कर देते हैं, पैथोजन अटैक करते हैं। जब पैथोजन इसको अटैक करते हैं तो ये पैथोजन मतलब इंसेक्ट अटैक करते हैं। जब इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो ये देखिए पैथोजन न कहकर इंसेक्ट को लोग यहाँ पर पेस्ट कह सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये वल्नरेबल प्लांट है। वल्नरेबल प्लांट माने जब पत्तियां इसकी नहीं रह जाएंगी तो इसकी पहले प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, बाद में ये पौधा खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने इसी बैसिलस थुरिंजियंसिस के सैचेट्स जो है, सैचेट्स इसके ऊपर, सैचेट्स जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। स्प्रिंकल जब कर दिए, ये देखिए इसके ऊपर इसे छिड़क दिया। जब छिड़क दिया तो ये वल्नरेबल प्लांट जो है ये नॉर्मल हो गया, मतलब पौधा ठीक हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया। तो ये एक बेसिक सी बात थी, बैसिलस थुरिंजियंसिस का इस्तेमाल किया बैक्टीरिया का पौधे के ऊपर ताकि पौधा ठीक हो जाए। बाद में क्या किया इन लोगों ने, उन्होंने बैसिलस थुरिंजियंसिस, अच्छा ठीक कैसे हुआ, अगर आप इसकी प्रक्रिया देखें, स्टेप देखें, तो स्टेप ये है कि जो इंसेक्ट का लार्वे है, जब आपने सैचेट्स स्प्रिंकल किए, सैचेट्स ऑफ बीटी स्प्रिंकल किया, मतलब इसके ऊपर छिड़क दिया, स्प्रिंकल किया, तो ये देखिए स्प्रिंकल्ड किया, तो ये जो सैचेट्स था उसमें प्रोटॉक्सिन पाए जाते हैं। प्रोटॉक्सिन उन्हें कहते हैं जो इनएक्टिव है। इंजेस्ट बाई कैटरपिलर, जो इंसेक्ट का कैटरपिलर था उसने इसे खाया। उसके इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम है, इस लार्वा के इंटेस्टाइन में कैसा मीडियम है, अगर आप देखें इंटेस्टाइन में कैसा मीडियम है तो एल्कलाइन मीडियम है। और इस एल्कलाइन मीडियम में ये जो प्रोटॉक्सिन था ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉक्सिन किसमें कन्वर्ट हो गया, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया और फिर ये इस कैटरपिलर की डेथ हो गई, मतलब वो पॉइजन का काम किया और मर गया। बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके इस जीन को जिससे ये बैक्टीरिया मर गया था उसके ये जो ये लार्वा मर गया था उस जीन का नाम इन लोगों ने क्राई जीन रखा और इस क्राई जीन को इन लोगों ने जोड़ दिया जीनोम ऑफ कॉटन प्लांट, ऐड कर दिया जीनोम ऑफ कॉटन प्लांट से, ऐड कर दिया कॉटन प्लांट से, इसको ले आके ऐड कर दिया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और इस तरह के प्लांट का नाम इन लोगों ने बीटी कॉटन रखा। ये देखिए इसी बीटी कॉटन प्लांट को, क्योंकि इसमें जीन जो है बैक्टीरिया का है, इस तरह के प्लांट को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं या इसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। ये पहला तरीका है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे इसी सीक्वेंस में सारी बातें एक्सप्लेन है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है एक ट्राइकोडर्मा फंगस है, ये देखिए ट्राइकोडर्मा है, इसके बारे में देखें, ये ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ये एक फंगस है, ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, मतलब रूट पे पाया जाता है प्लांट्स के,
प्लांट्स के रूप में पाया जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन अटैक, प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन, पौधे को पैथोजन के अटैक से बचाता है, अटैक ऑफ पैथोजन, प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन। ये देखिए, उसको पैथोजन के अटैक से जिस भी पौधे फंगस जिस भी के प्लांट के रूप में पाया जाता है उस प्लांट को पैथोजन के अटैक से बचाता है। तीसरा देखिए, ये वायरसेस हैं जिनका नाम है पॉलीहाइड्रोवायरसेस हैं। ये देखिए पॉलीहाइड्रोवायरसेस हैं, इनको पीएचपी कहा जाता है। ये प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स, एनसीईआरटी में आपको मिला लेना है, इंसेक्ट एंड कौन से आर्थ्रोपोड्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए आपको एनसीईआरटी एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ये वायरसेस हैं जो पौधे को इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स के अटैक से बचाते हैं। इन्हीं वायरसेस में एक दूसरा वायरस है जिसे हम लोग न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस कहते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस कहते हैं, इसको एनपीवी कह सकते हैं आप। ये देखिए वर्क्स इन नैरो रेंज, पहली बात मतलब नैरो रेंज में काम करता है। दूसरा होता है इसकी सबसे खास बात है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है। ये पैथोजन स्पेसिफिक मतलब ये हुआ कि जिस इंसेक्ट को आप टारगेट करेंगे कि अब उसी इंसेक्ट को ये किल करता है, पैथोजन स्पेसिफिक है, जिस इंसेक्ट को आप टारगेट करेंगे उसी इंसेक्ट को ये किल करता है, इसलिए इसे हम लोग पैथोजन स्पेसिफिक कहते हैं। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरसेस डू नॉट किल अनवांटेड इंसेक्ट। जो अनवांटेड इंसेक्ट है उनको बिल्कुल किल नहीं करता है, आपको ध्यान रखना है। एक टर्म है लास्ट में जिसको हम लोग आईपीएम कहते हैं, आईपीएम का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये एक खास तरह का मैनेजमेंट है जिसपे इंसेक्ट को पैथोजन से बचाने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि जो प्लांट्स हैं उनको कोई पैथोजन या पेस्ट अटैक न कर पाए और पौधे वो प्लांट्स तेजी से फसलें सर्वाइव करें और उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर न पड़े। तो इस तरह से आप देखिए, तो पहले एक बैक्टीरिया है जो पौधे को प्लांट को बचा रहा है पैथोजन के अटैक से, एक फंगस है जो उसके पैथोजन के अटैक से बचा रहा है, एक वायरस है जो पैथोजन के अटैक से बचा रहा है। ये वायरस पैथोजन स्पेसिफिक है, जिसको आप चाहेंगे उसे किल करेगा, लेकिन ये वाला किसी को भी मार सकता है, वांटेड और अनवांटेड दोनों इंसेक्ट को मार सकता है, इससे अच्छा ये वाला वायरस ज्यादा अच्छा होता है। आइए लास्ट स्टेप देखते हैं इस चैप्टर का। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे किस तरह से माइक्रोब्स जो हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, मतलब जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी माइक्रोब्स कैसे बढ़ाते हैं, हम ये लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक पे देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया को देख लेते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। अगर आपको पता होगा तो तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग नाइट्रोजन सिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, अगर आपको आप क्लास 11th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं जिनका आप इसमें नाम देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ये देखिए, तो कौन तरह के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन की फिक्सिंग इसलिए करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेटरोसिस्ट, उनमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा सिस्ट, आप देखिए हेटरोसिस्ट वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे सर ये देखिए प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। ये देखिए, आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि भाई ये देखिए लेग्यूमिनेसी फैमिली, अगर हिंदी में कहा जाए तो जो दलहनी पौधे हैं, दलहनी फसलें मतलब जिनसे दाल मिलती है उनके रूट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं
और नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन जो है बहुत ही जरूरी है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया अगर आप देखें तो इनका नाम है एजोटोबैक्टर, नाम सुना होगा आपने, ये देखिए एजोटोबैक्टर, ये पहला नाम है। दूसरा है राइजोबियम है, ये देखिए दूसरा है जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। ये अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें के नाम भी है। फिर है ये जो स्पाइरिलियम है, इस तरह से अगर आप देखें तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जो दलहनी फसलों की रूट से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं और ये इन फसलों में सॉइल की फर्टिलिटी को बेटा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये देखिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। नाम देखिए एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और रेजोस्पाइरलम, और भी सब तमाम नाम है, एनसीईआरटी ने यही लिखा, मैंने आपको ये सिखा दिया। दूसरा अगर आप देखें तो फंगस है, एक फंगस कौन सा फंगस है जो ऐसा कर रहा है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, तो जो फंगस है उस फंगस का नाम ट्राइकोडर्मा है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे ये ट्राइकोडर्मा है, ये किसी भी प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है। सिम्बायोटिक माने होता है दो अलग अलग जात के लोग एक साथ रहे और दोनों का फायदा होता है, इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। मतलब ये जो फंगस है ये खास तरह के किसी प्लांट के साथ रहता है, प्लांट को भी प्रॉफिट होता है, फंगस को भी फायदा होता है। तो आखिर ये फंगस करता क्या क्या है उस पौधे के लिए, तो ये फंगस क्या करता है, सबसे पहले ये फंगस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, पहला काम एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल। जिस पौधे के साथ रहता है फ्रॉम सॉइल, ये उस पौधे को सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करता है, पहला काम करता है। कौन करता है, फंगस है, कौन सा फंगस है, ट्राइकोडर्मा। किसके साथ रहता है, प्लांट्स के साथ, क्या करता है, जमीन से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके उस प्लांट को ये ट्रांसफर करता है। दूसरा काम देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, दूसरा देखें रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्डर पैथोजन, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्डर पैथोजन, अगर कोई रूट बॉर्डर पैथोजन है उस प्लांट में, किसी रूट से पैथोजन मतलब प्लांट को रूट के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पौधे को इस पैथोजन से बचाता है। दूसरा काम मतलब फास्फोरस भी दे रहा है और किसी पैथोजन के अटैक से बचा भी रहा है, कौन, ग्लोमस। तीसरा देखिए प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राथ एंड सलाइनिटी, सूखे से बचाता है उस पौधे को, सूखे से बचाता है, ड्राथ एंड सलाइनिटी, सूखे से बचाता है ड्राथ से एंड सलाइनिटी, और सलाइनिटी से बचाता है, ये देखिए ड्राथ एंड सलाइनिटी दो चीजों से बचाता है। तीसरा बड़ा काम करता है और चौथा एक काम और करता है प्रमोट, क्या प्रमोट, ओवरऑल ग्रोथ, प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ एंड इंक्रीज, उस पौधे के ओवरऑल ग्रोथ को और उसके लंबाई को, जो भी चीजें उसमें होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से देखिए ये जो फंगस ट्राइकोडर्मा है, ये फंगस ट्राइकोडर्मा चार काम करता है उस पौधे के लिए। एक तो उसको फास्फोरस एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करता है, दूसरा उसको रूट बॉर्ड पैथोजन के अटैक से बचाता है, तीसरा उसको ड्राथ और सलाइनिटी से बचाता है, चौथा उसके ओवरऑल ग्रोथ और इंक्रीज में हेल्प करता है जिसके साथ रहता है। इसके सिवा लास्ट में है, पहला देखिए बायो फर्टिलाइजर्स में पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है क्या फंगस, तीसरा पैराग्राफ लास्ट देखिए ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने पढ़ा है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, हमें देखना है कि कौन कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, चाहे आप इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहें या अगर आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, तो आप इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, चाहे आप इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहें और चाहे इन्हें आप साइनोबैक्टीरिया कहें, जो भी आपके मन में आए बोल सकते हैं। ये भी सॉइल की फर्टिलिटी में बढ़ाती है। अगर आप इसमें देखें इनके एग्जाम्पल्स जो है, पहला एग्जाम्पल है जिसको हम लोग नॉस्टॉक कहते हैं, ये देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है जिसे एनाबीना कहते हैं, एनाबीना है, ये देखिए नॉस्टॉक एनाबीना, और तीसरा है जिसे हम लोग ऑस्लिटोरिया कहते हैं, ऑस्लिटोरिया कहते हैं, ये देखिए।
ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये मेनली पाई जाती है पैडी फील्ड्स में पाई जाती है, दलहनी फसलों में पाई जाती है, सॉरी धान के खेतों में पाई जाती है, पैडी फील्ड्स में पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं सब के सब फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेटिक है। नोस्टॉक एनापिना ऑस्पिटेरिया ये फोटोसिंथेटिक है। इनमें कुछ है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये सब लोग जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। आजकल इन्हीं का इस्तेमाल करके ये देखिए कंपोस्टिंग की जा रही है, कंपोस्ट बनाया जा रहा है। ये कंपोस्ट क्या है? एक तरह का बायो फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल लोग धान या गेहूं के खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से कंपोस्टिंग कर करके बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बायो फर्टिलाइजर्स सॉइल की फर्टिलिटी को बेटा इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये तीन ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, फंगस और ब्लूग्रीन एल्गी, जो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये नाइट्रोजन की फिक्सिंग कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, पैडी फील्ड्स से पाए जा रहे हैं। और इस तरह से आप देखें तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और उसको कमजोर होने से कम करते हैं, सॉइल कमजोर नहीं हो पाती है। ध्यान दें इसका।